लंच ब्रेक होने को 10 मिनट बचे हुए थे, लेकिन क्लास में बच्चे बेल लगने की बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। रिदम और वेरोनिका भी वेट कर रही थी कि कब 12 बजेंगे और बेल लगेगी, क्योंकि आज माँ ने टिफिन में पनीर सैंडविच जो पैक किया था। तभी बेल लगी और सारे बच्चे लंच बॉक्स लेके बाहर निकले। तभी उन्होंने पिंकी को रोते हुए देखा। रिदम ने पूछा, क्या बात है पिंकी, तुम रो क्यों रही हो? पिंकी ने कहा, किसी ने मेरे लंच बॉक्स में से सारा खाना खा लिया। वेरोनिका ने कहा, कोई बात नहीं पिंकी, आज तुम हमारे टिफिन में से खा सकती हो। और फिर तीनों ने मिलके टिफिन शेयर किया। दूसरे दिन फिर लंच ब्रेक में उनकी क्लास में टीना गुस्से से क्लास में चिल्लाने लगी, मेरा टिफिन किसने खाया, जवाब दो नहीं तो अच्छा नहीं होगा। पर चोर कहां जवाब देने वाला था। सभी बच्चे कंफ्यूज होकर एक दूसरे को देखने लगे। रिदम और वेरोनिका को ये बात समझ आ गई कि कोई शरारत कर रहा है। फिर रिदम और वेरोनिका ने एक प्लान बनाया। रिदम ने कहा, हमें पता लगाना पड़ेगा कि ये लंच बॉक्स कौन चोरी कर रहा है, इस चोर को तो मजा चखाना ही पड़ेगा। अगले दिन रिदम और वेरोनिका डिसाइड करती हैं कि वो आज सभी क्लासमेट पर कड़ी नजर रखेंगी, जिससे कोई भी बच ना पाए और चोर भी पकड़ा जाए। लेकिन ये प्लान भी फ्लॉप हो जाता है, क्योंकि उस दिन भी रानी नाम की क्लासमेट का टिफिन चोरी हो जाता है। दोनों बहन बहुत इरिटेट हो जाती हैं। रिदम कहती है, ये प्लान तो फेल हो गया वेरोनिका, हमें कुछ और सोचना पड़ेगा। तभी वेरोनिका को एक आइडिया आता है, जो वो रिदम को कान में फुसफुसाकर बताती है। अब प्लान के अनुसार वेरोनिका जोर से रिदम से कहती है, ताकि वो चोर को भी सुनाई दे, रिदम कल माँ को वेज बर्गर और चीज पास्ता बनाने को कहेंगे, माँ इतना टेस्टी बनाती है कि कल बस मजा ही आ जाएगा। स्कूल से घर जाकर रिदम और वेरोनिका माँ से कहती हैं, माँ क्या आप कल लंच बॉक्स में वेज बर्गर और चीज पास्ता बनाएंगी? और हाँ, प्लीज उन्हें एक्स्ट्रा स्पाइसी बनाना। माँ कहती है, क्यों बच्चों, कल कोई खास बात है क्या? मैं जरूर बना दूंगी। रिदम और वेरोनिका अपनी होशियारी से बहुत खुश होती हैं। वेरोनिका कहती है, देखना रिदम कल हमारा ही टिफिन गायब होगा और वो चोर भी पकड़ा जाएगा। दूसरे दिन सुबह उठते ही किचन से अच्छी खुशबू आ रही थी। दोनों स्कूल के लिए रेडी होकर माँ से अपना टिफिन लेती हैं और स्कूल के लिए निकल जाती हैं। चोर को पकड़ने का ये प्लान रिदम और वेरोनिका अपनी क्लास टीचर से भी शेयर करती हैं, जो उनकी हेल्प करने के लिए रेडी हो जाती है। लंच ब्रेक होने से कुछ समय पहले रिदम और वेरोनिका वॉशरूम जाने के बहाने निकलती हैं और गर्ल्स और बॉयज वॉशरूम लॉक कर देती हैं। साथ ही पानी पीने का फिल्टर भी डिस्कनेक्ट कर देती हैं। ऐसा करके दोनों वापस अपने क्लासरूम आ जाती हैं। लंच ब्रेक होता है और फिर दोनों वेट करती हैं। तभी उनके क्लास का एक लड़का रॉकी दौड़कर क्लास में आता है और पानी मांगने लगता है। अरे कोई पानी दे दो प्लीज, जल्दी से पानी दे दो। रॉकी पूरा पसीने से लथपथ और थका हारा लग रहा था। साथ ही रिदम और वेरोनिका का टिफिन भी हाथ में लिए खड़ा था। पानी पीकर रॉकी रिदम और वेरोनिका के पास जाकर जोर से कहता है, अरे बर्गर में इतनी मिर्ची कौन डालता है और चीज पास्ता इतना स्पाइसी कौन खाता है? ये सुनकर क्लास के सभी बच्चे हंसने लगे, क्योंकि चोर अब पकड़ा गया था। रिदम कहती है, रॉकी जब तुम्हें हमारा टिफिन खाना ही था तो तुम मांग भी तो सकते थे ना, ऐसे चोरी करने की क्या जरूरत थी, तुम बोलते तो हम जरूर शेयर करते। रॉकी शर्मिंदा होकर कहता है, सॉरी फ्रेंड्स, अब से ऐसा नहीं करूंगा, प्लीज मुझे माफ कर दो। फिर सारे बच्चे एक दूसरे के साथ अपना टिफिन शेयर करते हैं और लंच ब्रेक एंजॉय करते हैं। अगर आपको ये स्टोरी पसंद आई तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, क्योंकि बच्चों के लिए ऐसी मोरल स्टोरीज हम अक्सर लाते रहते हैं। बाय।